सुजलॉन का शेयर बड़ी रैली देने के बाद अभी सुस्ता रहा है, साइडवेज जा रहा है। तो सब लोगों को डेली रैली देखने की आदत है सुजलॉन में, तो थोड़ा सा उदास हो गया सबका मन। बट इसी बीच मार्केट के एक्सपर्ट्स ने सुजलॉन में नए टारगेट दिए हैं और उसके रीज़न भी बताए हैं कि ये टारगेट अचीव क्यों होंगे, आइए हम लोग जानते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, हम लोग राइट टाइम पे एंट्री करते हैं, राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं और आपके पोर्टफोलियो को रखते हैं प्रॉफिट में। फ्रेंड्स, सुजलॉन का शेयर फ्राइडे को 42.30 रुपीज़ पर क्लोज हुआ था, जबकि 52 वीक हाई लगाया था 44 रुपीज़ का, और इसमें थोड़ी गिरावट थी। मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि थोड़ा साइडवेज जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। और इसी बीच मार्केट के एक्सपर्ट ईटी नाउ स्वदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है मिस्टर कपिल, इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सुजलॉन का शेयर 50 रुपीज़ तक जा सकता है। और इसी के अलावा मिस्टर देवेन मेहता, टेक्निकल एनालिस्ट और एक्सपर्ट चॉइस ब्रोकिंग, इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में सुजलॉन का शेयर 51 रुपीज़ से 55 रुपीज़ के बीच में जा सकता है, और इसको क्रॉस किया तो आगे और भी ऊपर जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो करंट रेट 42 के हिसाब से ये काफ़ी ऊंचे टारगेट इन दोनों ब्रोकरिंग हाउस ने और एक्सपर्ट्स ने दिए हैं। उनका कहना ये है कि अभी RSI इसका हाई हो चुका है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भाग चुका है तो साइडवेज जाएगा, बट MSCI इंडेक्स में इसका नाम आने के कारण और बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में 30 नवंबर के बाद में, इसीलिए यह शेयर फिर से रैली के लिए तैयार होगा। तो जो लोगों का लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो लोग होल्ड कीजिए इसको, और जिनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है वो प्रॉफिट बुकिंग करके गिरावट का मौका ढूंढ सकते हो। थोड़ा बहुत गिरावट और हुआ यहाँ से तो फिर से बाय कर सकते हो। बट एक्सपर्ट लोगों ने जो 50 और 55 का टारगेट दिया है, ये काफ़ी शानदार टारगेट है, वो एक बार अचीव होने के बाद फिर से नई रैली के लिए तैयार हो जाएगा सुजलॉन का शेयर, जो कि टोटल टर्न अराउंड स्टोरी है और कंपनी टोटली ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का शेयर है जिसका मार्केट कैप भी काफ़ी बढ़ चुका है, इसमें सुपर इन्वेस्टर मुकुल जगरवाल का भी होल्डिंग है, तो सब एंगल से कोई डरने की बात नहीं है। और जो एक्सपर्ट्स ने मार्केट के इसके टारगेट दिए हैं वो भी काफ़ी शानदार है। तो डोंट वरी एंड जस्ट होल्ड टाइट सुजलॉन शेयर इफ़ यू हैव लॉन्ग टर्म व्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।